खुशाबाद रहें। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दाल करेले की रेसिपी। बहुत ही आसान और क्विक है, करेले पकाना भी एक फन है कि कड़वे ना बने। तो ये करेले थे, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको बता देते हैं। ये आधा किलो करेले थे जिनको हमने पानी में भिगोया हुआ था नमक डाल के 1 से 2 घंटे के लिए। और अब इनको अच्छी तरह हमने निचोड़ लिया है। और एक प्याली दाल है चने की उबली हुई, और इनके लिए ये 2 बड़े टमाटर हैं क्यूब्स में काटे हुए छिलके उतार के, और 1 बड़ा प्याज है इसको हमने काट लिया, और साथ में 2-3 हरी मिर्चें भी काट ली हैं। और बाकी चीज़ें इसमें जो चाहिए, 1/2 कप दही है, 1/2 कप दूध है, थोड़ा सा इमली का गूदा जाएगा इसमें, और 2 से 3 नींबू जाएंगे, और कुकिंग ऑयल जाएगा, और नमक मिर्च वो हम आपके साथ 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 बताते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की। अब हम अपना फ्लेम ऑन कर रहे हैं, कढ़ाई लें किया। अच्छा, ये आपने इसको कोई डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तेल भी इतना महंगा है और सब मोटे हो रहे हैं तेल खा खा के, तो आप बिल्कुल जितना तेल चाहिए आम रूटीन में उतना डालें। तकरीबन इसमें 1/2 कप मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि दही में भी ऑयल है, दूध में भी है, तो ये आपकी सारी चीज़ बैलेंस हो जाएगी। कोई ज़्यादा बाकी तेल ज़्यादा ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तेल में माशाल्लाह इतने स्पाइसी और इतने मज़ेदार करेले बनेंगे, और कड़वाहट से पाक करेले बनेंगे। ये करेले थे जो हमने धो के इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब ये फ्राई होंगे, मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करें। बस इतना फ्राई करें कि थोड़ी सी इनका थोड़ा हल्के से ब्राउनिश हो जाए, बहुत ज़्यादा काले नहीं करने, बिल्कुल हल्के करने हैं। तकरीबन 10 मिनट या 8 मिनट तक आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ये फ्राई करते हुए आप इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच नमक डाल लें, तकरीबन 1/2 चम्मच नमक, और इनको फ्राई कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से करेले फ्राई हो गए, इनका कलर भी नहीं ख़राब हुआ, बिल्कुल जले हुए नहीं है। इस तरह के ज़रा पता तो लगे करेले हैं, इतने काले हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता खा क्या रहे हैं। इस तरह के जब करेले हो जाएं आपके, तो ये जो आधी प्याली हमने दूध रखी थी ये इसमें शामिल कर देनी है। इस दूध से और दही से करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बेहतरीन बनेंगे, नरम बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। और ये जो 1/2 कप हमने दही रखी थी ये भी डाल देनी है। इन करेलों को दही और दूध के पानी में ही हमने गलाना है। करेले पकाते हुए कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें, पानी की वजह से करेले कड़वे हो जाते हैं। अब इसको आप पकने दें कि दूध और दही खुश्क हो जाए और करेले गल जाएँ, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। चलें जी, ये तकरीबन 10 मिनट हो गए करेले पकते हुए, और ये देखें माशाल्लाह सारा पानी इसका खुश्क होने वाला है, और करेले बिल्कुल गल गए, नरम हो गए। ये देखें मैं आपको चेक करवा सकूँ करेला, ये देखें आराम से टूट गया। अब इसमें स्पाइसेस डालें, पहले स्पाइसेस डाल देंगे तो करेले का सारा कलर ही ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या पका हुआ है। तो अब आप स्पाइसी, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से आपकी कुकिंग दूसरों से डिफरेंट होती है, लोग आपके जायके की तारीफ़ करते हैं। 1/4 चम्मच नमक हमने पहले डाला हुआ था, तकरीबन थोड़ा सा नमक अगर ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे। अब तकरीबन मिर्चें सुरख मिर्चें हसबे जायका या 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, ठीक है, और दड़ा मिर्चें तकरीबन 1/4 चम्मच, ठीक है। इनको हमने फ्राई कर लेना है कि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कलर चेक करते जाए, अब आपका करेले भी बिल्कुल ठीक है और सालन का कलर भी आ गया, चेक करें माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि खोया डाल के पका रहे हैं आप करेले, ठीक है। ये जैसे मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हुआ है, अब आपने इसमें ये जो टमाटर थे हमने क्यूब्स में काटे हुए 2 बड़े टमाटर ये शामिल कर देने हैं। अब ये 1 बड़ी प्याज है और 2-3 हरी मिर्चियाँ ये शामिल कर दें इसके अंदर। आप माशाल्लाह कलर स्कीम देखिए अल्लाह ताला के रंगों की, इतना खूबसूरत कलर लग रहा है, ठीक है। अब आप 1 से 2 मिनट इसको पकाना है कि टमाटर और प्याज हल्के से नरम हो जाए, बिल्कुल मत गले, हल्के से नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको आप ढाम के बनाएं, फिर बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं प्याज टमाटर को पकते हुए, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है ना, मज़ेदार खुशबू। अब ये जो इमली का गूदा है ये तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर डाल दें, जो हमने इमली पानी में भिगो के रखी हुई थी तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर डाल दें,
कप या एक प्याली दाल नमक डाल के बॉईल की हुई है, ये भी इसके अंदर शामिल कर दें इसके ऊपर इस तरह। माशाल्लाह। और एक नींबू का जूस। ठीक है, हल्का सा हरा धनिया गार्निश के लिए। और ये धनिया डाल के आप इसे 5 से 7 मिनट दम पे लगा दें और फिर हम आपके सामने इसकी फाइनल लुक पेश करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जी, ये है हमारे दाल करेले की फाइनल लुक। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान और क्विक है और मज़ेदार है। और इंशाल्लाह एक भी ये करेला आप सादा भी खा के देखेंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं है। 2 रोटियां लें ये इसके आम की चटनी के साथ और मिर्चों के अचार के साथ हम इसे सर्व कर रहे हैं। और आप भी इंजॉय करें, अपने घर में बनाएं और मेरा चैनल मायदा फूड ट्यूब्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया।